फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्त विकर्मणि। मत, मैं आपकी साइकिल ठीक करवा देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। क्या हुआ महेश? यार साइकिल टकरा गई। साइकिल ही टकराई ना? हाँ। मैं क्या टक्कर मुबारक हो। बाप रे। जी, आजकल के लड़के कितने बदतमीज होते हैं। जी क्यों, क्या हुआ मीना? कुछ भी नहीं, साइकिल टकरा गई। साइकिल ही टकराई ना? आजकल की लड़कियां भी कुछ कम नहीं। देखिए आपका ख्याल गलत है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। देखिए आपका ख्याल भी गलत है, हर एक लड़का बदतमीज नहीं होता। मुझे मालूम है। चलिए आपकी साइकिल ठीक करवा दूं। जी नहीं, मुझे घर जाना है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। काफी भारी साइकिल है। कितनी दूर रहती हैं आप? लाइए मेरा साइकिल, मेरा घर आ गया। अच्छा, तो ये है आपका घर? जी हाँ। अगर इजाजत हो तो आपकी साइकिल ठीक करवा दूं? जी नहीं, इतनी मेहरबानी ही काफी है। थैंक यू। मेंशन नॉट। बाय बाय। बाय बाय।
व्यक्ति सुनते हो? मैंने कहा कुछ सुना तुमने? हाँ 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 हाँ, सुनो क्या खाक, कुछ कहो ना। अजी तुम्हारी मीना लाडली ने साइकिल तोड़ दी। साइकिल तोड़ दी और क्या, लड़की है या तूफान, नित नया नुकसान करती है। है कहाँ कम बख्त, बाहर बाहर चलो चलो। साइकिल तोड़ डाली ना मेरी लाडली ने, क्यों री, हुआ क्या था है? क्या हुआ था? चाचा जी एक साइकिल से टकरा गई। टकरा गई? अच्छा, तो क्या हुआ, एक नई साइकिल और दिलवा देना। 20,000 रुपया छोड़कर गया था इसका बाप इसके लिए, कभी तुमने खर्चा किया ही क्या है? शादी में तो कुछ खर्च होगा ही नहीं। अरे शादी में खर्च तो तब करूंगा जब मेरे पास कुछ होगा तो। क्यों री, मैं पूछता हूँ तुझे आजकल हुआ क्या, आंखों पे पर्दे छा गए, दिखता नहीं है, तुझे परवाह है किसी चीज की, नित नया नुकसान करा देती है तू। वहाँ छोटे बाबू, ये पूछने से तो गए कि बिटिया कहीं चोट तो नहीं लगी, नुकसान की पड़ गई। पूछे क्या, सामने तो खड़ी है भली चंगी। और भाई अब तू जो पूछ रही है, एक नौकरानी और क्या पूछ सकती है छोटे बाबू, जब तुम छोटे थे तुम्हारी कुशल मंगल पूछा करती थी, अब इन बच्चों को राजी खुशी देखना चाहती हूँ, ये सुखी रहे बस यही इच्छा है। चल बिटिया चल, कुछ खा ले चल। हमने आपके सामने कुछ आइटम पेश किए और अब हम आज रात का आखिरी और सरप्राइज आइटम पेश करेंगे। दोस्तों जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हसीन यादें बनकर रह जाते हैं, इसी तरह आज की रात को एक हसीन याद बनाने के लिए हम इस आइटम को एक मुशायरे के रूप में पेश करेंगे। इस मुशायरे का मजमून होगा मोहब्बत। किससे? अब किसका भी हो जाए, होने तो दो। है पेशुस्ती, अभी मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत के नाम पर सिर्फ शेर व शायरी होगी। लड़के और लड़कियों की तरफ से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश होगा। लड़कों की तरफ से मिस्टर महेश कपूर। और लड़कियों की तरफ से मिस मीना खोसला। मिस मीना एंड मिस्टर महेश ऑन द स्टेज प्लीज। देखिए आज भटक कर रही है। आज आप सुन रही हैं। अच्छा मिस मीना, मिस्टर महेश, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो।
तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। ए जियो पुजारी क्या बात, इशारे बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। पास आके कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। क्या बात है, क्या बात है, क्या खेलो। रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है, तेरी आंख के फैसले फैसले पे नजर है,
बला से अगर रास्ता पुरखतर है, बला से अगर रास्ता पुरखतर है, मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। लीजिए आपका था। नमस्ते। प्यारे बेटे महेश, बहुत दिनों से ना तुमने ही कोई खत लिखा और ना ही मैंने तुम्हें कोई लिखा। इम्तहान हुए, एक महीना गुजर गया, मगर तुमने कोई खबर नहीं दी। उम्मीद है तुम्हारे बच्चे अच्छे हो गए होंगे, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मैं महीने भर से खाट पर पड़ा हूँ। मेरी सूरत देखना चाहते हो तो इस खत को तार समझकर फौरन चले आओ। वाह पिताजी, आपका भी जवाब नहीं। बगैर बीमारी के आप बीमार हो जाते हैं और बगैर दवा के आप अच्छे हो जाते हैं। राय साहब, आजकल के लड़के भी बेलगाम के घोड़े होते, बाप की कोई परवाह ही नहीं करता। देखिए ना, बीमारी तक का खत लिख चुका हूं लेकिन लड़का नहीं पलटा। एक नुस्खा बताऊं रूपचंद जी? बताइए। अब की दफा अपने मरने की खबर भेज दीजिए, शायद आ जाए। आप भी क्या मजाक करते, बाप होना अब तक लड़के को पढ़ाने की फिक्र में था, अब कुछ बनाने की फिक्र। इसकी फिक्र आप क्यों करते हैं? महेश को मेरे पास भेज दीजिए ना। पर जब वो आए तब तो भेजू, ना जाने अब कौन सा इम्तहान दे रहा है, सब इम्तहान तो खत्म हो चुके। मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे बालों में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। ये शेर तो बहुत याद, क्या मालूम होता है कितनों के बालों में फूल टाके हैं तुमने? सच बताओ? एक बार है एक खूबसूरत लड़की। कौन है वो? बता दूं? छोड़ दो, छोड़ दो, लो
लो। बहुत किस्मत वाली थी। कौन? अपनी टक्कर। याद है अपने साइकिलों की टक्कर? और उसके बाद? उसके बाद तुम यही कहोगे ना कि हम मिले, तुम मिले, नजर मिली और दिल मिले। देखो अपने को ये लफ्ज़ नहीं मांगता, समझे? कितना खूबसूरत मौसम है। घटाएं बरसती हुई ये बेचैन रूप
ही तरसती हुई सांसों से शोले निकलती हुई बदन आँच खाकर पिघलती हुई बदन आँच खाकर पिघलती हुई धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया सबर जाए हम बेकरारों की दुनिया जो तुम मुस्कुरा दो जो तुम मुस्कुरा दो ला 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 से बहुत बड़ी भूल हो गई ये पाप है तुम ठीक कह रही हो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी हम दोनों समाज की नजर में गुनहगार हैं दो महीने इम्तिहान को हो गए लड़का आने का नाम ही नहीं लेता जब भी खत लिखता हूँ कल परसों अतरसों यही बकवास कर देता है अच्छा बेटा मैं तो तेरा बाप फिर लिखूंगा प्यारे महे मैं राय साहब लक्ष्मी नारायण से तेरी नौकरी के बारे में मिला था पर वो तुझसे मिलना चाहते हैं अगर तू उनकी नजर में चढ़ गया तो आसमान पर चढ़ जाएगा चढ़ने को मोटर रहने को बंगला बेटे महेश ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती इसकी पढ़ते ही फौरन चले आ वेरी गुड बंगला रहने को और मोटर सवारी को अरे जियो पिताजी जवाब नहीं आपका क्या नौकरी ढूंढी आपने और क्या लिखा है अगर तू खत मिलते ही नहीं आया तो मैं खुद आ जाऊंगा अरे पिताजी आपको तकलीफ करते हैं मैं सुबह की गाड़ी से खुद हाजिर हो जाऊंगा तेरे प्यार का आसरा चाहती हूँ वफा कर रही हूँ वफा चाहती हूँ तेरे प्यार का मीना ओ मीना आई क्या करी ये तुम चली आई मैं अभी तुम्हारी तरफ ही जाने वाला था
बात क्या है महेश? तुम कहीं जा रहे हो क्या? मीना जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी ने आने की धमकी दी है, बस इसीलिए जा रहा हूं। लेकिन मीना, आज तुम सुबह सुबह कैसे चली है? मेरे लिए सुबह नहीं, शाम है, रात है, अंधेरा। कैसी बातें कर रही है मीना आज? आखिर हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था, मैं मां बनने वाली हूं। क्या कहा? मीना तुम मां? ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? क्या करना चाहिए अब? मुझसे शादी कर लो महेश, मुझसे शादी कर लो। शादी? हाँ शादी तो जरूर करनी चाहिए, उसके बगैर चारा भी क्या है। मीना मैं जाते ही पिताजी से बात करूंगा, उन्हें शादी के लिए मजबूर करूंगा। महेश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम चिंता ना करो मीना, मैं आज जाऊंगा, थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगा। और देखो जाते ही मुझे चिट्ठी लिख देना। जरूर लिखूंगा, कल लिखूंगा, परसों तुम्हें मिल जाएगी। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा मीना, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। पोस्टमैन। मेरी कोई चिट्ठी नहीं? जी नहीं बीबी जी। लड़की सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मैं उसे देख चुका हूँ, मुझे पसंद है, चाहो तो तुम भी देख सकते हैं। लेकिन पिताजी इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी? बेटे राय साहब करोड़ों की आसान, इकलौती बेटी, फिर बीमार है, कभी भी हार्ट फेल हो सकता है, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। मैं ये शादी नहीं करूंगा पिताजी, आप उन्हें मना कर दीजिए। मना कर दीजिए गधा टंगी का, अरे मैं भी तेरा बाप हूं, देखता हूं कैसे नहीं करेगा ये शादी। साइकिल की चाबी उधर गई। पहले पैसे निकालो, तुम पास हो गए, ये देखो, ये हमारी हो
मेरी मिठाई मत भूलो ना। भला तुम कैसे भूल सकती हूँ पर? क्या बात है बेटी, तुम्हें पास होने की जरा भी खुशी नहीं हुई? हाँ बहुत खुशी हुई है तन, बहुत खुशी हुई। चाची तुम अपने पास होने की खुशखबरी सुनाने आई हो ना, मुझे मालूम है। नहीं चाची, मैं एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, तुम्हारा बाप 20,000 रुपया छोड़कर गया था ना, और 20 साल में एक कौड़ी भी खर्च नहीं हुई। हाँ मुझे रुपए नहीं चाहिए चाची, मेरे पास है कुछ। तो क्या मैं टिकट बाबू हूँ जो तुम्हें टिकट दूंगी, या मैं रेल का डब्बा हूँ जो तुम्हें सफर बिठा कर पहुँचा दूंगी? हाँ ये बात नहीं चाची, मेरी सहेली की शादी है, उसने मुझे बुलाया है। मैं कब कह रही हूँ किसी दुश्मन ने बुलाया है, मुझसे क्या पूछ रही हो? जाओ और जरूर जाओ। चाचा से कह देना मैं परसों तक आ जाऊंगी। परसों को आओगी तब भी कह दूंगी, परसों को आओगी तब भी कह दूंगी, नहीं आओगी तब भी कह दूंगी। हा? चौक में बाएं तरफ पहली स्ट्रीट। जी शुक्रिया। वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, वफा के नाम पे कितने गुनाह हो। पूछ कोई जो तबाह होते हैं, है वो दामन में दाग लगा बैठे, लगा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा बैठे, हाय हाय। आएगी उस भूल
के ताने दे दे कर दुनिया हमको तड़पाएगी। उठते ही नजर झुक जाए नजर झुक जाएगी। आज ऐसी ठोकर खा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे दामन में दाग लगा बैठे हाय ओ हाय। चाहत के लिए जो रस्मों को चाहत के लिए जो रस्मों को ठुकरा के गुजरने वाले थे जो साथ ही जीने वाले थे और साथ ही मरने वाले थे। हवाले करके हमें खुद दूर किनारे जा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे दामन में दाग लगा बैठे हाय ओ हाय। मजबूर वफा लो आज मेरी मजबूर वफा बदनाम कहानी बनने लगी जो प्रेम निशानी पाई थी वो पाप निशानी बनने लगी। देखे हमें जीवन भर का वो सुख की सेज सजा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे दामन में दाग लगा बैठे हाय ओ हाय। बेटी तू मीना बेटी अब बाहर क्यों खड़ी रह गई अंदर आ जाना ला दे मुझे। अरे बेटी तू तो अपनी सहेली की शादी में गई थी ना। शादी शादी ही तो हो गई ताई शादी ही तो हो गई।
पर तू रो क्यों रही है? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं ताई, कुछ 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 कैसे नहीं, तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। सवेरे गई और अब लौट आई। बोल बेटी क्या बात है? देख तुझे मेरी कसम है जो ना बताया। बोल क्या हुआ बेटी? उस आदमी ने मुझे धोखा दिया ताई। धोखा दिया ताई? ताई मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली? माँ बनने वाली है? कौन है वो बदमाश? कहाँ रहता है? क्या नाम है उसका? चल चल बेटी, तू अभी चल मेरे साथ। मैं उसका खून पी लूंगी, उसका गला घोंट दूंगी। गला घोंटना है तो इसका गला घोंट, इसका गला घोंट जिसने हमारी नाक कटवा दी। मीना निकल जा मेरे घर से, निकल जा इसी वक्त। बाबूजी। गंगूताई तुम चुप रहो, ये गंदी छाया मेरे घर में कभी नहीं रह सकती। अरे कम वक्त इस तरह मुंह काला करके मेरे सामने आना था, इससे तो अच्छा था तू डूब के मर जाती। कैसे? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं जा, जा। मैं तेरा मुंह कभी नहीं देख सकता। निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। उल्टा प्लीज, घर में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। अपनी खुशी के लिए औरत को इसी रास्ते पर लाकर छोड़ देता और तेरे जैसी सैकड़ों औरतें अपने गले में मर्द के पाप की गठरी बांधकर दूर। लेकिन मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरे लिए दुनिया के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरी झोपड़ी का दरवाजा खुला है बेटी, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी और उस दिन का इंतजार करूंगी जब उस पापी का पाप इस जमीन पर पैर रखेगा और मैं उसे उस नीच के दरवाजे पर पटकूंगी। चल मेरे अच्छी किसी रोज। बैठ बेटी, खड़ी क्यों है? बैठ जा। शादी से पहले प्यार करना सरासर है। तेरी तरह कितनी ना समझ लेती, इस झूठी मोहब्बत के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर देती। Ah
सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। ओ मालती तुम्हारे बालों में फूल कितने अच्छे लगते हैं। एक बात पूछो। पूछो। आपने कितनों के बालों में फूल लगाए हैं?
मालती एक लड़की थी जिसके बालों में मुझे फूल बहुत अच्छे लगते थे। कौन थी वो? बुरा मान गई ना? नहीं तो बताओ ना क्या नाम था उसका? उसका नाम था मालती। झूठे कहीं। एक खुशखबरी सुनाओ। सुनाओ ना। हमारी गोद में थोड़ा सा बच्चा है। सच मालती?
रास्ते तेरे वास्ते जीवन की डगर में कौन बनेगा तेरा आसरा बेदर्द नगर में। तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है कुछ कह नहीं सकती पर किसी का किया तू भरे सह नहीं सकती। पूछेगा कोई तो किसे बाप कहेगा बाप कहेगा जग तुझे फेंका कहेगा है पाप कहेगा। पूछेगा कोई तो किसे पाप कहेगा बाप कहेगा जग तुझे फेंका हुआ पाप कहेगा है पाप कहेगा। बन के रहेगी शर्मिंदगी तेरी जिंदगी जब तक तू जिएगा। आज पिलाऊं तुझे दूध में कल जहर पिए दो। तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है कुछ कह नहीं सकती पर किसी का किया तू भरे सह नहीं सकती। मीना मीना बेटी जरा बाहर आइयो। आप लोग बोलते क्यों नहीं क्या हुआ था इनको? रास्ते में चलते चलते गिर पड़ी और गिरते ही प्राण फकीर उड़ गई बिचारी। अब पहचानने से कोई फायदा नहीं मेरी शादी में। मुझे मालूम है तो फिर तो आई मोहब्बत का नाम लेकर जो तोहफा तुमने मुझे दिया था उसे लौटाने आई हूँ। लो इसे। बच्चा? हाँ बच्चा तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पाप का फल। लेकिन उस पाप में तो तुम भी शरीक थी। तुमने शरीक तुमने मुझे पाप के गड़े में ढकेला। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था तुम बच्ची नहीं थी वो समझदार थी। औरत की समझदारी मर्द की चालबाजी के सामने खत्म हो जाती है। मर्द मोहब्बत का वादा करता है औरत भरोसा कर लेती है। मर्द फरेब का फंदा फेंकता है औरत उसे प्यार का हार समझकर पहन लेती है। तुमने मुझसे झूठे वादे किए झूठी कसमें खाई तुमने वफा की आड़ में बेवफाई का हाथ फैलाया। तुमने क्यों हाथ बढ़ाया तुमने क्यों हाथ पकड़ा? औरत कभी हाथ नहीं पकड़ती औरत का हाथ पकड़ा जाता है। तुमने मेरा हाथ पकड़ा तुम्हारा कसूर है तुम्हारी खता है। खता मुझे अकेले की नहीं खता दोनों की है लेकिन अकेले क्यों सजा भोगूं? संभालो इसे। यह हरगिज नहीं हो सकता मैं इज्जतदार आदमी हूं मेरा दुनिया में नाम है ये मुझे बदनाम कर देगा। और मुझे नेकनाम कर देगा मैं भी तुम्हारी तरह इज्जतदार हूं
मुझे भी दीन दुनिया का ख्याल है, मैं भी लोगों के सामने सर ऊंचा करके चलना चाहती हूँ। सर ऊंचा करके चलो या नीचा करके, लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। मुझे भी कोई सरोकार नहीं, मुझे भी कोई वास्ता नहीं। तो ठीक है, फेंक दो इसे। जहाँ जी जाए मुझे कुछ पता नहीं। मैं इसे फेंकूंगी नहीं, तुम्हारे गले में बांधूंगी और दुनिया से चीख चीख कर कहूंगी ये महेश का बच्चा, इसका बाप महेश है। मैं मगर मानेगा कौन, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं। मैं किसी धरा दी, ये मुझे बदनाम कर देगा और मुझे नेकनाम कर देगा। मैं दुनिया से चीख चीख कर कहूंगी ये महेश का बच्चा, इसका बाप महेश। लेकिन मानेगा कौन? इसे मरने के लिए छोड़ गया है और मारने वाला इसे जिंदगी दे रहा है। अरे तेरी कुदरत अल्लाह। अरे भाई ये किसका बच्चा है? कोई है बच्चे वाला? अरे भाई कोई है? कोई है इस बच्चे को लेने वाला? Yeah!
आइए अब्दुल चाचा। नमस्ते पंडित जी। आया मैं लाओ जो दो। बैठो चाचा। लाल लाल सलामत रहो। भाई अब्दुल चाचा, ये बड़े स्वभाव का काम किया है तुमने। अल्लाह तुझे इसका फल जरूर देगा। बड़े पुण्य का काम किया है तुमने, धन्य है तुम्हें। सचमुच देवता हो। क्या बात है। कैसा फूल सा बच्चा है, न जाने किसका है। अरे वो तो मालूम है, किसी कुंवारी का या किसी विधवा का होगा, और कौन फेंक सकता है। मोहनलाल, किसी का भी है, है तो बच्चा ही ना। रमजानी, अरे रमजानी। चाचा, अल्लाह के फजल से तेरे यहाँ 6-7 बच्चे हैं, एक और सही, ये भी उनके साथ साथ पल जाएगा। अरे चाचा, जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात पात का पता नहीं, उस बच्चे को मैं अपने घर कैसे रख लूं। तौबा है चाचा, तौबा। जमुना बहन, तू जो इतने सालों से बच्चे के लिए जप तप और तीर्थ यात्रा कर रही है, ले घर बैठे बिठाए अल्लाह ने ये लाल भेज दिया तुझे, ले। छी 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 छी, ऐसे बच्चे से तो होना अच्छा है, ना जाने किसका है। हाँ जी, कौन जाने हिंदू है या मुसलमान। पंडित जी, ईसाई भी हो सकता है, सबको अपना अपना ईमान प्यारा है। जाओ भाई, अपना अपना काम करो। चलो पंडित जी, चले। आइए आइए। जय श्री राम। हरिओम। उन्हें अपना धर्म और ईमान प्यारा है, तो मुझे ये बच्चा प्यारा है। ना रो बेटे, जाने से चले गए तो मैं जो हूं, अल्लाह के फजल से मेरे हाथ पांव में ताकत है, अभी मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं पालूंगा बेटे। चल घर, चल चल। जी, मैं नौकरी के लिए आई थी, इस अखबार में मैंने आपका इश्तेहार पढ़ा था। आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानती हैं। मैं टाइपिंग जानती हूँ। शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जी, मैं सीख लूंगी, जरूर सीख लूंगी। मुझे तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की जरूरत है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, नौकरी मिलते ही मैं सब कुछ सीख लूंगी, सब कुछ सीख लूंगी। आप रहती कहाँ। मैं अगर नौकरी मिल जाए तो रहने का भी बंदोबस्त कर लूंगी। आप तो कहाँ तक पढ़ी हैं। अच्छी बात है, आज ही से काम शुरू कर दीजिए, मैं आपका रहने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो टाइपराइटर है और ये फाइल है, इन्हें वहां रख दीजिए। शुक्रिया। क्या लिख दिया आपने। The preference to letter number this and this I'm instructed by my client। फिर लिखा mother, child, child, mother, माँ बच्चा। ये मैंने आपसे कब लिखने के लिए कहा था। जी मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। न जाने आपको ध्यान कहाँ रहा था। इसे टाइप किया फिर से। वो मकान पसंद है आपको। जी हाँ, बहुत अच्छा है। किसी और चीज की जरूरत हो मुझसे कहिएगा। जी शुक्रिया। Thank you.
क्या बात है, आप हमेशा खोई खोई रहती जी। देखिए मेरा दिल, हर एक की जिंदगी में ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसके दिल पर एक जख्म छोड़ जाती है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। बच्चा मेरा गुनाह है। हाँ सुन रहे हो पंडित जी, इसे मैं रास्ते से उठा लाया, ये मैंने गुनाह किया। इसे खुदा की अमानत समझ के मैं पाल रहा हूं, ये मैं गुनाह कर रहा हूं। देखो अब्दुल चाचा, पंच परमेश्वर होते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और उनका फैसला खुदा का फैसला होता है। जहन्नुम में जाए ऐसे पंच और उनका फैसला। अब्दुल चाचा, ये मोहल्ले की सभी हिंदुओं मुसलमानों की आवाज है। लानत है ऐसे हिंदुओं पर, ऐसे मुसलमानों पर जो इंसान के बच्चे को पालना पाप समझते हैं। क्यों मुल्ला जी, कुत्ता पालना जायज है? क्यों पंडित जी, बिल्ली पालना जायज है? और क्यों मेरे रमदानी, ये बटेर और तोते पालना जायज है और इसे पालना ना जायज? तुम लोग कुत्ते का बच्चा पाल सकते हो, बिल्ली का बच्चा पाल सकते हो, जानवर का बच्चा पाल सकते हो, मगर इंसान का बच्चा नहीं पाल सकते। यही तुम्हारा मजहब है, यही तुम्हारा धर्म है। अब्दुल चाचा, ये तुम मजहब भी तो नहीं कर रहे हो। मुल्ला जी मैं नहीं, आप मजहब की आड़ में इंसानियत का खून कर रहे हैं। ये कोई भी हो मगर इंसान है, और इंसान की हिफाजत करना हर इंसान का फर्ज है, हर मजहब का फर्ज है। इंसानियत से मुंह फेरने वाला मुसलमान मुसलमान नहीं और हिंदू हिंदू नहीं। धर्म और ईमान के ठेकेदार बने हुए और इंसानियत छू तक नहीं गई। परवाह नहीं बेटा, मैं तुझे बड़ा करूंगा, मैं तुझे पालूंगा, मैं अपना खून पिलाऊंगा। जिस मोहल्ले में इंसानियत नहीं उस मोहल्ले में नहीं रहने, दूसरे मोहल्लों में जगह नहीं है।
बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के वजरू है चमन बेचने वाले, कांटों के वजरू है चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
नमस्ते। जी कुछ नहीं, मैं आज कचरे नहीं जा रहा हूँ। मैंने वो चिट्ठी टाइप करके रख दी है। मीना देवी जरा इधर आइए। मुझसे फिर कोई गलती हो गई है क्या? जी नहीं, ये बात नहीं, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। बैठिए। देखिए मैं बड़ा साफ दिल का आदमी हूँ, जो कुछ मैं कहूँगा अगर आपको नागवार गुजरे तो बुरा ना मानिएगा, और साफ साफ हाँ या ना कह दीजिएगा। हाँ या ना, मैं कुछ समझी नहीं। बात यह है कि मेरा मतलब है, देखिए आप मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ ना पूछिए, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहता। मीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आप नहीं जानते कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम मोहब्बत में धोखा खा चुकी हो। मैं भी धोखा खा चुका हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि शादी से पहले मोहब्बत एक धोखा है, एक खेल है। इसलिए मोहब्बत करने से पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो साफ साफ कर दो, इसमें कोई बात नहीं। जी जी ये बात नहीं, तो फिर मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मीना
का चुगा खा रहा है, शेर की तरह का। लेकिन चाचा अपने लिए भी तो रहने दो। ओ, मेरे लिए बहुत है बेटा, तेरा पेट भर गया तो समझ मेरा भी भर गया। ले बेटा, बेटा कल तुझे छुट्टी है ना? हाँ चाचा, पर अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ने का। क्यों बेटा? वो पंडित का लड़का है ना, वो कहता है कि तेरा कोई माँ बाप नहीं। मैंने कहा अब्दुल चाचा है मेरे बाप। ठीक ही तो कहा बेटे। और वो मुल्ला का लड़का बोला कि अब्दुल चाचा तेरे बाप नहीं, तू तो हरामी है हरामी। चाचा, हरामी किसे कहते हैं? जो काम नहीं करते, मुफ्त का खाते। ये पंडित और मुल्ला दोनों मुफ्त का खाने वाले हैं। मत खेला कर तू इन आवारा लड़कों के साथ, मैं तुझे दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। जा, मुंह हाथ धो ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। मम्मी, तुम रोज पाउडर लगाती हो। आज मैं स्कूल जाऊंगा ना, आज मैं भी पाउडर लगाऊंगा। देख, तू बिल्कुल बंदर लगता है। मम्मी, कैसे तू गाली देती हो? बंदर किसका बेटा होता है? मैं बताऊं? ये बंदर हमारा बेटा है। मालती, मेरा कोट देना। अभी नहीं। बेटे, तू अपना मुंह साफ कर ले। ये लीजिए तो। मम्मी,
बाल्टी। MUMMY मम्मी, DADDY डैडी, एंड आई एम रेडी। लेकिन मेरे बेटे बंदर, ये बंदूक स्कूल में नहीं चलेगा। ओके बॉस, चलिए। चलो स्कूल में तुम्हारा नाम पूछेंगे तो क्या बताओगे? रमेश कपूर। और तुम्हारी दादी का? मिस्टर महेश कपूर, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और तुम्हारी मम्मी का? मम्मी जा, भूल जाओगे। आधावर से आधावर से आइए आइए, तशरीफ लाइए। चलो बेटा बैठिए। शुक्रिया। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जज साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। आओ बेटे। सलाम करो बेटा। जी करो। कहिए जैसा है, कैसे तकलीफ किया आपने? जी बच्चे को आपके स्कूल में दाखिल कराया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लीजिए फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू। बच्चे इधर आओ भाई। बहुत प्यारा बच्चा है। देखो बेटे, अपने डैडी की तरह बड़ा आदमी बनना है। हेडमास्टर साहब फरमाइए, मेहरबानी करके इस बच्चे को भी दाखिल कर लीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लीजिए आप भी फॉर्म भर दीजिए। माफ कीजिए, मैं चश्मा घर भूल आया हूं। कोई बात नहीं, मैं भर देता हूं। शुक्रिया। बच्चे का नाम? रोशन। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? रोशन बेटा, तू जरा बाहर बैठ, मैं तेरा नाम लिखवा के आता हूं। जा बेटा। रोशन अली, रोशन लाल, कुछ भी लिख लीजिए। जात और इसके माँ बाप का नाम? क्या बताऊं हेडमास्टर साहब, दरिंदे, भेड़िए, कातिल, उन्होंने मरने के लिए इसे जंगल में भेजा। बड़े जालिम माँ बाप थे इसके। गॉड ब्लेस द चाइल्ड। बस खुदा ही नाम है इसके बाप का। और जात कुछ भी लिख लीजिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मैं बजात खुद मुसलमान, मगर हिंदू मुसलमान कुछ न समझता हुआ मैं इसे एक इंसान समझता हूँ। तो क्या आपको इसके माँ बाप का कुछ भी पता नहीं? मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ जज साहब कि ये एक हैवान का बच्चा है और हर इंसान इसका बाप है। मैं आपकी जज्बे की कदर करता हूँ, तो बाप की जगह मेरा ही नाम लिख लीजिए। फरमाइए। अब्दुल रशीद। मैं ही 8 साल से इसकी परवरिश कर रहा हूं। रोशन के माँ बाप का पता नहीं? क्या रोशन का माँ बाप का पता नहीं? अरे माँ बाप का क्या, किसी का जात पात तक मालूम नहीं तो क्या रोशन हरामी है? हाँ। यहाँ नहीं मियाँ रोशन अली। या नहीं माशे रोशन लाल जी? नो नो मिस्टर रोशन,
रोशन तू यहाँ आ जा मेरे पास। ये मेरी जगह है, मैं इसे यहाँ नहीं बैठने दूंगा। ये यहाँ ही बैठेगा? ये यहाँ नहीं बैठ सकता। तुम इसे रोकोगे? हाँ मैं रोकूंगा। हाथ उठाए तो हाथ तोड़ दूंगा। Sit down, boys. अरे बेटी, हाथ क्या है सुखों की खान है खान। भगवान ने सभी सुख दे रखे हैं। बस एक ही दुख है पंडित जी, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? आश्चर्य की बात है, एक बच्चे की रेखा तो साफ है हाथ में। एक ही बच्चे की? हाँ एक ही बच्चे की रेखा है पंडित जी, हमारे लिए तो बस एक ही काफी है। तुम ना आप देखिए कि ये शुभघड़ी आएगी कब। अब तक तो आज आनी चाहिए थी, हाथ भरा और गोद खाली। तुम्हें चिंता की बात कह दी आपने। चिंता की कोई बात नहीं बेटी, तुम बहुत जल्द माँ बनोगी। कितने जल्द ये इनसे कह दीजिए, मैं जाता हूँ। पंडित जी ठीक से देखिए ना, सिर्फ एक ही बच्चे की रेखा है। हाँ सिर्फ एक ही बच्चे की रेखा है। शायद अब वो सुख मेरे नसीब में नहीं। जरूर है, बड़ा भागशाली होगा तुम्हारा बच्चा। का नाम रोशन करो। मम्मी मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अच्छा मम्मी हम लोग दोनों खेलने जा रहे हैं। नहीं बेटे, पहले कुछ खा पी लो फिर खेलने जाना। जाओ दोनों हाथ मुंह धो के आओ। चलो रोशन। लो बेटे दूध पियो। नहीं मम्मी मेरा जी नहीं करता। नहीं बेटे ऐसा नहीं किया करते। सुनो तुम गिलास उठाओ, मैं दस तक गिनती हूँ, जो पहले पिएगा उसे एक सेब इनाम दूंगी, समझे। चलो गिलास उठाओ। रेडी रेडी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। मैं पास। दोनों बराबर। और ये है तुम्हारा इनाम। थैंक यू। रोशन बेटी तुम रोज यहाँ खेलने आ जाए करो। हाँ मम्मी वो रोज आएगा। रमेश बेटे। डैडी। रमेश
कब आया बेटे? अबे आज हम अपने बेटे को घूमने ले चलेंगे। अच्छा इसको भी लेके जाना। रमेश हाँ? ये कौन है? डैडी ये मेरा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है। नमस्ते। रमेश बेटे ये तेरा दोस्त बनने के लायक नहीं, ऐसे लड़कों से दोस्ती अच्छी नहीं होती बेटे। क्या बात है? बात नहीं मारती, ऐब है, खराबी है, बुराई है। नहीं डैडी ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं बेटे तू नहीं जानते, ये धरती का बोझ है, एक जीता जागता पाप है। तुम खानदान वाले हो बेटे, इसके खानदान का पता नहीं, तुम्हारे पास इज्जत है, इसके पास बदनामी है। इसकी माँ का पता नहीं, इसके बाप का पता नहीं, ये नाजायज औलाद है। तुम मत खेला करो इसके साथ, मत लाया करो इसको अपने साथ। खबरदार जो आइंदा कभी इसे घर लाया। रोशन 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 रमेश गया बेटा। अरे वहां क्यों खड़ा है? अंदर आ। पहले ये बताओ कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है? मैं हूँ बेटे। नहीं तुम मेरे बाप नहीं, बताओ कौन है मेरा बाप? अरे मैं हूँ बेटे। किसने बहका दिया तुझे? तुमने बहकाया मुझे, तुमने झूठ बोला है। तुम नहीं हो मेरे बाप, तुम अब्दुल चाचा हो, अब्दुल चाचा। तुम्हें सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानते हो तुम। बोलो कौन है मेरे माँ बाप, किसका लड़का हूँ मैं, कहाँ का हूँ मैं, कौन हूँ मैं? उन धब्बों में से है जिन्हें पैदा होते ही मिटा दिया जाता है, जिन्हें झूले की बजाय दरिया की भयानक लहरों में सुला दिया जाता है, जिन्हें घर का उजाला नहीं मुंह का गहरा अंधेरा मिलता है, जंगलों का सन्नाटा मिलता है, जिन्हें माँ बाप की गोद नहीं मौत की गोद मिलती है। और अगर वो बदकिस्मत जिंदा रहते हैं तो दुनिया उन्हें ठुकराती है, धुतकारती है, और वो दुनिया वालों की गालियों और झिड़कियों में पलते हैं। लेकिन तुम ही बताओ चाचा, मैं कब तक लोगों की गालियां खाता रहूंगा, कब तक जीता रहूंगा इस तरह? घबरा नहीं बेटे, दुनिया तुझे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मैं तुझे अपना बेटा समझूंगा। खुदा की कसम तू मेरा बेटा, मेरा बेटा है। मेरे अच्छे चाचा, चाचा मेरा बेटा, चाचा मेरे अच्छे चाचा। आओ मेरे भैया,
बाप का। फिर से बोल, कौन बे बाप का? अरे तू है तू, चल हरामी कहीं का। मैं इसे देख लेता हूँ, मैं अकेले ही समझ लूंगा। आपकी मार देखू तो देखें क्या निकलता है। मेरी टोपी पलट के आ। बेटा ये बादशाह इधर है। क्या सब कागजी कागज भरे पड़ी तेरे की। अबे साले बस एक रुपया। अबे किस मुझे के पीछे पड़ गया था तू? अरे उस्ताद देखने में बड़ा जेंटलमैन था। अबे आजकल के जेंटलमैन के जेब में पैसे नहीं, भूख और बेकारी भरे लाए, समझा? पीछा उसका क्या कर जिसका जेब भरा हो। देख पूरे 500 है। हाय। अरे वाह उस्ताद। अबे हाथ हटा उस्ताद, अपनी बख्शीश काम मेरे दिखाया, बख्शीश तू लेगा? मेरे चलेगा उस्ताद। अबे ले, तू भी क्या याद करेगा, तू भी ले बादशाह और तू भी ले मेरी जान। आने दे यार, यही आने दे, अपना तो खुदा बाहर निकला चुहा। अभी कोई इधर बैठा है? घबरा मत उस्ताद, ये तो तुम स्कूल से भागा हुआ लड़का नजर आता है, तब तो ये अपने स्कूल में आ जाएगा। अरे चंपत मेरा ड्राई मार यार, इसकी भरी सूरत अपने बहुत काम आएगी। या बेईमानी तेरी यार, चालू कर जा जल्दी से। चले उठ जा यहां से। अरे घूर घूर के क्या देख रहा, बोला ना उठ जा यहाँ से। क्यों नहीं उठता? नहीं उठता? हाँ नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। क्या बाप की बेन समझ रखी है? क्या लगा दो चार हाथ? अबे रे क्या करता है, छोड़ इसको। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तेरा बाप, बच्चे को देखकर बाप बता दे, भाग यहाँ से। क्या बेटे तुझे भी देख लूंगा। अबे जा जा, हाथ देखे तेरे जैसे, फिर कभी कुछ कहा तोड़े इस बच्चे को तो बस्ती से तोड़ दूंगा तेरी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रोशन। बहुत अच्छे। क्या स्कूल जा रहे हो? नहीं आ रहा, अब कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? आज से लिखना पढ़ना बंद कर दिया। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, चाचा छगन कह गए बेटा पढ़ोगे लिखोगे हो गए खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बेटा कमाई के वो गुर सिखाऊंगा कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखोगे कान काटोगे। हाँ हर वक्त जेब में चांदी और ये देख नोटों के बंडल हो गए। मगर मुझे तो कुछ भी काम नहीं आता। सब आ जाएगा, फिक्र मत करो, छुट्टियों में सिखा दूंगा। उठा ये बस्ता, ये भी कभी काम आएगा। चलो इस बात पे क्या हो जाए। अरे तो दिन छुप गया, रोशन अभी तक नहीं आया। आज बड़ी देर कर दी बेटा। अब तो रोज देर होगी चाचा, कभी तो दो दो दिन के चक्कर रहेंगे। चक्कर कैसे बेटा? स्कूल में ट्रेनिंग क्लास है ना चाचा, उसमें दाखिल हो गया, वहाँ पैसे कमाने के तरीके सिखलाए जाते हैं चाचा। हाँ रहने में कमाई को अभी तो छोटा है, खुदा करे वो दिन जल्द आए जब तू पढ़ लिख के खाए कमाए। वो दिन आएंगे नहीं चाचा, अब तो आ गए। Thank you.
अरे मदन मिस तो आ गया पर वो नहीं आया। कभी तो आएगा, ऐसा मजा चखाऊंगा याद रखेगा वो भी। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, समझे मेरे भाई हैं। जिनको जग की चिंता है वो जग का दुख झेलेंगे, हम सड़कों पर नाचेंगे, फुटपाथों पर खेलेंगे, उनको आहें भरने दो जिनको आहें भरना है। अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। प्यार की भिक्षा मांगी तो लोगों ने फुटकार दिया, फिर हमने दुनिया को घूंट की नोक से मार दिया। वेरी गुड यार। अरे प्यार की भिक्षा मांगी तो खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अपने जैसे बेफिक्रे और नहीं इस बस्ती में, दुनिया गम में डूबी है, हम डूबे हैं मस्ती में, क्या समझे मेरे भाई। अपने जैसे बेफिक्रे और नहीं इस बस्ती में, दुनिया गम में डूबी है, हम डूबे हैं मस्ती में, जीना है तो जीना है, मरना है तो मरना है। अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। अरे अपनी खातिर जीना है, अपनी खातिर मरना है, होने दो जो होता है, अपने को क्या करना है। बेटा ये किताबें लोगे भाई? बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, पर दाम पुराने की मिलेंगे। क्यों, ये तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ है लिए हुए। एक घंटे बाद हर नया माल पुराना हो जाता है बेटा, आधे दाम दूंगा, लेकिन जरा किताब है तो दिख लाओ। रोशन कोई नई किताब खरीद रहे हो? नहीं, बेच रहा हूँ। क्यों? अरे यार यू अपना धंधा जो शुरू कर दिया था। कैसा धंधा यार? अरे बस इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे यार कल जुए में हार गया था ना। जुए में हार गया था? रोशन तुमने जुआ खेलना शुरू कर दिया? और क्या करें, लिखना पढ़ना तो शरीफ आदमियों का काम है। लो भाई आधा दाम दे दो। रोशन पागल ना बनो, मैं तुम्हें ये किताबें नहीं बेचने दूंगा। चलो स्कूल चल। आओ आओ ना। क्या फायदा स्कूल जाने से, मैं कितना ही पढ़ लूं मगर कहलाऊंगा वही हरामी का हरामी। नहीं रोशन, पढ़ने लिखने से सब बुराई दूर हो जाती है। रोशन वाल्मीकि डाकू थे, लेकिन विद्या पढ़ने से कितने बड़े ऋषि बन गए। तुम्हें अच्छा आदमी बनना है, अच्छा लड़का बनना है। तुम्हें अच्छे लड़के बनो, तुम्हें बड़े आदमी बनो। अपने को क्या करना है, कौन है अपना दुनिया में? मुझे नहीं पढ़ना। तुम्हें नहीं पढ़ना तो मुझे भी नहीं पढ़ना। वे तो मेरे किताब है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं भी जुआ खेलूंगा, आवारा बनूंगा, गुंडा बनूंगा। रमेश
आ गए, मैं भी स्कूल चलूंगा। सच? हाँ। चलो चलो। Sit down, boys. क्यों, क्या बात है मैडम? मास्टर जी, रोशन आ गया है। क्यों मारा था तूने इसे? मास्टर जी, इसने मुझे गाली दी थी। तो हमसे क्यों नहीं कहा, बदमाश कहीं का? 8 दिन से कहाँ था? जी मास्टर जी, ये बीमार था। तुम चुप बैठो, कल अपने चाचा जी से चिट्ठी लिखा कर लाना। मदन मोहन, जरे लाल, रूप किशन, जगन्नाथ, बख्तियार अहमद, मोनी कपूर, मधु कुमार, कमालुद्दीन, रवि कुमार, इब्राहिम, दलीप कपूर, सुल्तान। मास्टर जी, रोशन ने मेरी किताब फाड़ दी है। रोशन, डराओ। क्यों फाड़ी उसकी किताब? मैंने नहीं फाड़ी मास्टर जी। मास्टर जी, रोशन ने किताब नहीं फाड़ी। दुनिया से पूछ लीजिए मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, मेरे सामने फाड़ी है। नहीं मास्टर जी, ये सब झूठ है। शैतान तो ऐसे नहीं मानेगा। जा बेंच पे खड़ा हो जा और सारा हफ्ता बेंच पे खड़ा रहे। रोशन, रोशन, बैठो अपनी जगह पर। तुम लोग सब क्या देख रहे हो? चलो अपनी अपनी किताबें खोलो। हाँ, वो कब का क्या सबक था? बदला लूंगा। ऐसे नहीं करते रोशन, मैं करूंगा। ये शरीफ लड़कों का काम नहीं है रोशन। कौन कहता है कि मैं शरीफ? मैं गुंडा हूँ, पक्का गुंडा। रोशन, रमेश, वो जा रहा है। कहाँ जाएगा बच के मुझसे? मैं इसकी जान ले लूँ। नहीं रोशन, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ मेरे बीच में मत आ रमेश। नहीं रोशन, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तुझे भैया,
पानी पी लूं? हाँ हाँ पी लो। ठहरो, पानी गर्म होगा। इनकी एक गिलास ठंडा पानी लाना। लाई बीबी जी। इधर आओ बेटे। तुम्हारा नाम क्या है? रोशन। रोशन? बहुत प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी में। छठी में? बीबी जी पानी लो पी लो। बटन गलत लगा रखा है। तुम्हारी माँ इतना भी ख्याल नहीं रखती? मेरी माँ नहीं। माँ नहीं? और बाप? मेरा सुना में कोई नहीं। एक दोस्त वो भी चला गया। रोने क्यों लगे बेटा? मालूम नहीं क्यों रोना आ गया। मैं जाऊं? मैं जाऊं माँ? कैसे कह सकते कि उसने चोरी नहीं की? मैं आपको यकीन दिलाता हूं वकील साहब, मेरा बच्चा चोर नहीं, वो चोरी नहीं कर सकता। बैठ जाइए। देखिए माल उसके पास से बरामद हुआ। ये किसी बदमाश की कारस्तानी होगी।
वो बिल्कुल बेकसूर है वकील साहब, उसे बचा लीजिए, बेचारा बेमां बाप का बच्चा है। यानी वो आपका बेटा नहीं है? जैसे वो मेरा बेटा है वैसे वो आपका भी बेटा है। यानी वो यतीम है? उससे तो यतीम भी खुश नसीब है वकील साहब, क्योंकि उसके माँ बाप का पता होता है। इस बेचारे के तो माँ बाप का भी कुछ पता नहीं, मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। जंगल में? जी हाँ, जंगल में। मुझे तो दिन तारीख तक याद है, सन 47 की बात है, अप्रैल की 15 तारीख थी, मंगल का नहीं नहीं बुध का दिन था। रात के कोई 10 बजे होंगे, मैं शहर से लौट रहा था, राम घाट पर पीपल के पेड़ के पास ही पड़ा था। एक दुधमुहा बच्चा, कुछ 4-5 महीने का होगा। और आप उसे उठा लाए? जी, और तब से मैं ही उसे पाल पोस रहा हूं। ऋषि साहब, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं आपके बच्चे को छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप कल कचहरी में आ जाइए सुबह। बहुत अच्छा, आदाब। आदाब। तुम क्या सोचने लगे मीना? चौक बाजार पुलिस स्टेशन, रोशन हाजिर हो। इस लड़के के पास से सेठ जमुनादास की यह थैली और 10,000 रुपयों के नोट बरामद हुए, और चौक बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रामदास ने इस लड़के को थैली समेत भागते हुए पकड़ा है। तुमने चोरी की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर यह थैली और रुपए तुम्हारे पास कहां से है? जग्गू ने दी थी। जग्गू कौन है? ये मैं नहीं जानता, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। योर ऑनर, लड़के के पास चोरी का माल पाया जाना खुद ही एक बहुत बड़ा सबूत है। वो अपने बचाव के लिए एक फर्जी लड़के जग्गू का नाम ले रहा है, पर असल वो खुद ही चोर है। योर ऑनर, लड़के के पास से चोरी का माल बरामद जरूर हुआ है, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया, इसलिए उसे चोर नहीं कहा जा सकता। चलिए मैं आपकी राय से सहमत हो जाऊं कि लड़के ने चोरी नहीं की, लेकिन आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि लड़का चोरों की गैंग में शरीक नहीं है। योर ऑनर, भले ही लड़के ने खुद चोरी न की हो, लेकिन चोरी में मदद जरूर की, और चोर की मदद करने वाला चोर कहलाता है, मुजरिम होता है। योर ऑनर, हमारे फाजिल दोस्त इतना तो मान रहे हैं कि कोई गिरोह इस चोरी के पीछे है, तो फिर अकेले इस लड़के को मुजरिम करार कैसे दिया जा सकता है? इस लड़के के बयान के मुताबिक ये थैली जग्गू इसके हाथ में देकर भाग गया, इसलिए जब तक जग्गू को इस अदालत में पेश न किया जाए, इस मुकदमे का फैसला नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि ये लड़का बेगुनाह और मासूम। मैं इसकी बेगुनाही और मासूमियत को अच्छी तरह जानता हूं। इसकी फितरत में बदमाशी और आवारगी भरी हुई है। ये एक नाजायज बच्चा है जिसका ना कोई बाप है ना माँ है। ऐसे बच्चों से शराफत की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। योर ऑनर, अदालत की इजाजत से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इजाजत है? इस बच्चे की बेगुनाही और मासूमियत को मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। इसके बाप की आवारगी इसके दिल पर एक गहरा जख्म पहुंच चुकी है। इस बच्चे से शराफत की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि इसका बाप बड़ा शरीफ है। ये बच्चा इसलिए नाजायज है, इसकी माँ की जिंदगी को खिलौना समझकर खेला गया। ये बच्चा इसलिए नाजायज है क्योंकि इसकी माँ की जिंदगी को बर्बाद करने वाले ने किसी दूसरी औरत से शादी रचाकर अपना घर आबाद कर लिया। योर ऑनर, मैं उस शरीफ आदमी को, इस नाजायज बच्चे के बाप को अच्छी तरह पहचान रही हूं, और मुझे यकीन है कि आप भी इस बच्चे की मां को अच्छी तरह पहचान रहे होंगे।
माफ कीजिए मैडम, ये केस बच्चे का है, बच्चे के माँ बाप का नहीं। सुभान अल्लाह, कसूर जहर का नहीं जहर देने वाले का होता है। माफ कीजिए सरकारी वकील साहब, ये आज का मुकदमा सिर्फ बच्चे का ही नहीं उसके माँ बाप का भी है। ये वो माँ बाप है जिन्होंने कुदरत के कानून का गला घोटा है। योर ऑनर, इस बयान का ताल्लुक ना इस मुकदमे से है ना इस अदालत से। इस जुर्म का ताल्लुक दुनिया की हर अदालत से है। मैं दुनिया वालों से ये पूछना चाहता हूं कि ये कहां का इंसाफ है कि पाप करें वो लोग और पापी कहलाए ये बच्चा, जवानी के नशे में अंधे बने वो और ठोकरे खाए ये गरीब, खता वो करे और सजा ये भुगते, दुनिया उनकी इज्जत करे और इसे ठोकरे मारे, ये गरीब सर झुका के चले और वो सर उठा के चले। वकील साहब, ऐसे गुनहगारों को आपकी अदालत माफ कर सकती है मगर खुदा की अदालत कभी माफ नहीं करेगी। बच्चे नाजायज नहीं होते वकील साहब, नाजायज होते हैं माँ बाप। तुम गुनहगार हो, तुम्हारे कर्मों का फल मेरी बर्बादी की शक्ल में जाहिर। तुमने एक औरत को इज्जत देने के बजाय बेबसी और बदनामी के गढ़े में ढकेल दिया और आज उसी के आंसू में तुम्हारी इज्जत और नाम टूट रहा है। उस बेचारे की बद्दुआओं ने मेरी हरी भरी गोद उजाड़ी। तुमने रोशन को छोड़ा, रमेश हमें छोड़कर चला गया। उस मासूम बच्चे की आंखों ने मेरे सपने आग लगाई। भगवान ने तुम्हारे पाप की सजा मुझे दी। तुम जा रही हो इसलिए कि तुम उस बच्चे की मां हो, इसलिए कि तुमने मुझे अब तक धोखे में रखा। तुम चाहती तो ये राज हमेशा के लिए मुझसे छुपा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमने इसे कबूल किया और किसी के पाप का पर्दा अपने मुंह पर डाल लिया, यही ना मीना? आज तुम मेरी नजरों में और भी ऊंची हो गई, क्योंकि आज तुम में इंसानियत जाग उठी। तुमने एक बच्चे की भलाई के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। जाओ, उस बच्चे को इस घर में ले आओ। क्या तुम रोशन को रमेश मान सकोगी? क्यों नहीं, आपकी हर चीज को अपनाना मेरा धर्म है, आपकी हर अच्छाई मेरी अच्छाई है और आपकी हर कमजोरी मेरी कमजोरी है। जो गलती आप और मीना ने की वो किसी से भी हो सकती है, मैं भी वो गलती कर सकती थी, लेकिन असल में इंसान वही है जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, जो अपने पाप का पश्चाताप कर सकता है। जाइए, रोशन को ले आइए और इस अंधेरे घर को फिर से रोशन कर दीजिए। लेकिन मालती, मैं उसके सामने कैसे जाऊं, क्या कहूं उसे जाकर कि बेटे मैं ही तेरा वो बाप हूं जिसने तेरी आंख खुलने से पहले तेरी जिंदगी में अंधेरा फैला दिया था। तू चल के मेरे घर को रोशन कर दे, ये मुझसे नहीं होगा मालती, ये मुझसे नहीं होगा। चाचा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, मैं रोज स्कूल जाया करूंगा, मैं कसम खाता हूँ किसी बुरे आदमी के पास नहीं जाऊंगा, किसी से बात तक नहीं करूंगा। चाचा, तू यहाँ खराब सोहबत में पड़ गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इस मोहल्ले के गुंडे तुझे भी गुंडा बना के छोड़। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं तेरी एक नहीं मानूंगा, तूने खुद को बदनाम किया, मुझे भी बदनाम करा। जा, तू इसी वक्त टांगा लेके आ, मैं कहता हूं टांगा लेके आ, जा।
हाँ बोल चाचा। शेख साहब, जज नहीं मुजरिम अब्दुल चाचा। कहिए कैसे तकलीफ की आपने? मैं अपने बेटे रोशन को लेने आया हूँ चाचा। और आप कैसे तशरीफ लाई हैं? मैं भी बच्चे को लेने आई हूँ। बच्चे को लेने आई हो? उस बच्चे को जिसे पाप समझकर मरने के लिए फेंक दिया था, जिसे जानवरों के खाने के लिए बियाबान जंगल में छोड़ दिया था, आज आया उस बच्चे का ख्याल? आज तुम्हारे सीने में ममता ने जोश मारा, आज तुम मां बनकर आई हो और आज तुम्हें बाप का फर्ज याद आया। उस पाप को, उस कलंक को, उस दाग को आज बेटा कह रहे हो। मैं पूछता हूं, उस दिन कहां थे तुम दोनों जब वो मौत के मुंह में पड़ा अपने नन्हे नन्हे हाथ फैलाकर रहम की भीख मांग रहा, जब उसकी मासूम आंखें रात के सन्नाटे में मां बाप की ममता ढूंढ रही थी? तुम मां हो, तुम बाप हो, मैं उसका बाप हूं, मैं उसकी मां हूं। मैंने उसे रास्ते से उठाकर कलेजे से लगाया, खुद गीले में सोया, उसे सूखे में सुलाया। 8 बरस तक जिसके सुख के लिए मैंने खून पसीना बहाया, उसे लेने आए हो? मेरे बुढ़ापे की लाठी छीनने आए हो? मेरे बुढ़ापे की कमाई लूटने आए हो? निकल जाओ दोनों, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, मेरा हक है, मेरा हक है। सच कहते हो अब्दुल चाचा, रोशन पर तुम्हारा ही हक है। जन्म देने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। ये जानते हो तो फिर क्यों आए हो? अपनी भूल सुधार रहे, अपने किए पर पछताने। मगर मैं क्यों पछताऊं उसे तुम्हें देकर? मैंने कोई गलती नहीं की। क्या ये मेरी गलती है कि उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया? क्या ये मेरी गलती है कि उसके सुख के लिए मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा? मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, वो मेरा है, मेरा बेटा है। तुमने बाप के फर्ज का खून किया है और तुमने मां की ममता का सर नीचा किया। अब्दुल चाचा, मैं औरत हूं और एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती कि शादी के वचन की आड़ में उसके विश्वास को कुचल दिया जाए, उसके प्यार को ठुकरा दिया जाए। अब्दुल चाचा, मजबूरी ने, बेबसी ने और समाज के कानून ने मां की ममता पर बेरहमी का पत्थर रख दिया। समाज के कानून ने नहीं मीना, मर्द की बेवफाई ने। मैंने तुम्हें ममता का गला घोंटने पर मजबूर कर दिया। मीना, मीना, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मीना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मीना, अब्दुल चाचा, समाज के कानून मुझे कोई सजा ना दे सके, लेकिन भगवान के कानून ने, औरत की आह ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कि आज मैं औलाद के लिए तरस रहा। मतलब ये कि तुम्हें भी बच्चा चाहिए, इसे भी बच्चा चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सीने में पत्थर रखकर मैं रोशन को दूं तो किसे? तुम्हें देता हूं तो मां नहीं मिलती, इसे देता हूं तो बाप नहीं मिलता। आप ही बोलिए मैं क्या करूं, आप तो जज हैं, फैसला कीजिए। मुजरिम क्या फैसला करेगा अब्दुल चाचा? इंसाफ तो यही है कि मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। मेरे इस गुनाह की सजा यही है अब्दुल चाचा कि मैं जिंदगी भर औलाद के लिए तरसता रहूं, मैं बे औलाद मर जाऊं। आप रोशन मीना को दे दीजिए। ये भी कोई फैसला नहीं जज साहब, बाप तो उसे फिर भी नहीं मिलता, जमाना फिर भी उसे नाजायज कहेगा, लोग फिर भी उस पर उंगलियां उठाएंगे। कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई उसे नाजायज नहीं कहेगा, उसका बाप मैं हूं। वकील साहब, मैं ठीक कहता हूं अब्दुल चाचा, मीना का बेटा मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। आप सही मानो में इंसान, वो
बेटा तू पूछा करता था ना मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, आज वो खुद तुझे लेने आए। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा चाचा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे पास। बेटा वो तेरे माँ बाप है, मेरा तेरा क्या नाता, मैं तो सिर्फ एक जरिया था तुझे उनसे मिलाने का। मैं तेरा मालिक था रोशन, मालिक तो वो लोग हैं, तो उनके घर का चिराग है मेरे घर का चिराग। चाचा चाचा बेटे मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं तुझे ना अच्छा खिला सका ना अच्छा पहना सका, गरीबी के चीठड़ों में पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, सिवा प्यार के मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। बेटे वहां तुझे प्यार मिलेगा, आराम मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, वो तुझे सब कुछ दे सकते, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। चाचा तुम रो रहे हो। नहीं मैं कहाँ रो रहा हूं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम अपने माँ बाप के घर जा रहा है, उनका घर रोशन कर रहा है। मैंने इसी दिन के लिए तो तुझे पाला था बेटे, तेरी यादों के दिए मेरे अंधेरे घर में हमेशा जलते रहे बेटे, तेरी आवाज मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। मीना देवी मैंने इस पौधे को माँ और बाप दोनों का प्यार दे के सींचा है, ले जाइए इसे और रौनक बढ़ाइए अपने आंगन की, खुदा करे ये फूले फले और तुम भी इसके साथ खुश रहो आबाद। जाओ बेटा। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाचा, तुम्हारे साथ। जाओ बेटा, तुझे पाकर मैं सब कुछ भूल गया। नहीं, अपने खुदा को भी भूल गया था बेटे, मुझे उसे याद करने का मौका दे, उसकी इबादत करने दे बेटा। जाओ जाओ अपनी माँ के पास जाओ। मगर तुम कहाँ जाओगे चाचा, तुम हमारे ही पास रहोगे अपने चाचा। हाँ नहीं बेटी, मैं हज करने जा रहा हूँ, मैं खुदा के घर जा रहा हूँ, मैं इतनी दूर जा रहा हूँ जहां फिर किसी का प्यार मेरे पांव न डगमगाता, मैं वहां जाकर भी आप सबकी सलामती के लिए दुआ करूंगा। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे। कुछ देर हर एक चीज को अपना के चले चले।